हेडिंग है हमारा ब्रैट्स रूल। क्या कहता है ये रूल, ध्यान से सुनिए। हम अभी तक ये पढ़ रहे थे कि कार्बोकेटायन वगैरह स्टेबिलिटी पे कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये उसमें हमारी काफ़ी हेल्प करता है कुछ पॉइंट्स बताने के लिए। जैसे यहाँ ये कहता है कि पहले तो लिखिए लग कहाँ रहा है, इन द बाईसाइक्लो कंपाउंड, इन द बाईसाइक्लो कंपाउंड। इन द बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो समझ में आ गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं जिसमें दो साइकिल अटैच हैं, दो ब्रिज एटम होते हैं। इन द बाईसाइक्लो कंपाउंड ब्रिज कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन भी बोल सकते हैं, डू नॉट शो प्लेनर शेप या स्ट्रक्चर। आसान भाषा में डू नॉट शो एसपी और एसपी टू हाइब्रिडाइजेशंस, क्योंकि ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशंस प्लेनर होती है। बट एट और मोर देन एट कार्बन, मोर देन एट कार्बन आर प्रेजेंट इन वन साइकिल, इन वन साइकिल ऑफ गिवन बाईसाइक्लो कंपाउंड। बट इन केस ऑफ एट, इन केस ऑफ एट और मोर देन एट कार्बन आर प्रेजेंट इन वन साइकिल ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल, यानी कि आपका sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। यानी ब्रैट्स रूल आपको ये हेल्प कर रहा है कि भैया आठ, आठ से, आठ से कम, आठ पे तो लग ही रहा है, आठ से कम होते ही आप sp और sp2 हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते। इसको और ज़्यादा अच्छा समझाया जा सकता है एग्जांपल से। तो यहाँ एग्जांपल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए ये बताइए, ये साइकिल कितने एटम की है, छः या पाँच या आठ? छः पक्का। ये दूसरी साइकिल मैंने बना ली, एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी छः साइकिल है। कोई भी एक साइकिल, इसके अंदर बहुत सारी साइकिल दिख रही होगी, एक से ज़्यादा साइकिल दिख रही होगी, लेकिन किसी भी साइकिल के अंदर आठ या आठ से ज़्यादा एटम है नहीं है, टोटल आठ होंगे, लेकिन मैं तो एक साइकिल की बात कर रहा हूँ। अब ये साइकिल देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, ये साइकिल देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, किसी भी साइकिल में देख लो, ये वाली साइकिल देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः, आठ से कम है, आठ से कम है। और आपने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 चलेगा क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है। लेकिन अगर किसी ने इसको ऐसे बना दिया, यहाँ प्लस ले लिया, तो क्या दिक्कत आ जाएगी, ये नॉन प्लेनर होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, और ये क्या हो जाएगा, प्लेनर। तो ये इस प्लेन में ये सारे एटम आएंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो स्टेरिक क्राउड क्या होगा, वेरी हाई स्टेरिक क्राउड, वेरी हाई स्टेरिक क्राउड। सो इट इज नॉट पॉसिबल। यही आपका ब्रैट्स रूल है। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये बहुत बड़ी चेन हो जाती, छः की जगह आठ या दस कार्बन की हो जाती, तो
तो फिर इतना गैप आ जाता कि ये दो एटम उसके बीच में आ जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, नॉन प्लेनर है, स्टेबल है। तो जैसे ही यहां पर sp2 या sp हाइब्रिडाइज बनाने की कोशिश करोगे तो हाईली अनस्टेबल। जब sp2 ही अनस्टेबल है तो sp तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। अगेन रिपीट, sp2 ही अनस्टेबल है तो sp तो और ज्यादा अनस्टेबल होगा। या सुनो, क्लियर है? ये बात हमारे को किसने बताई? ब्रेड्स ने। तो ब्रेड्स को यूज करते हुए हमें कई बार जरूरत पड़ती है ब्रेड्स की। जैसे कहाँ जरूरत पड़ रही है हमें, देखिएगा ध्यान से। इस साइकिल में कितने कार्बन है? 8 दिखाई दे रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पर प्लस आ जाता है तो क्या ये स्टेबल है? स्टेबल है, क्योंकि किसी एक साइकिल में क्या आ गया, 8 कार्बन आ गए। और जब एक में 8 आ गए और ये वाला एटम कौन सा कहलाता है? ब्रिज कार्बन, क्योंकि ये दोनों साइकिल के बीच में है और इसके ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज स्टेबल, बिकॉज वन साइकिल हैविंग 8 कार्बन। अच्छा, यहां देखिए, इसमें ब्रिज कार्बन कौन है? ये इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो किसी एक साइकिल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत आसानी से। तो क्या यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? हाँ, लेकिन स्टेबल है, बिकॉज वन साइकिल हैविंग 10 कार्बन, 10 कार्बन है, तो यहां पर भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ये छोटी साइकिल होती तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं, तो ये नहीं हो पाता। क्या ये पॉसिबल है कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन अनस्टेबल, क्योंकि किसी भी साइकिल के अंदर 8 या 8 से ज्यादा कार्बन नहीं आ रहे, अनस्टेबल। ये सब आपके एग्जाम्पल है। हाँ बेटा, बेटा रिंग मैंने ये ले रखी है, आप ये देखो, ये जो मैंने बना रखा है ना, अगर ये नहीं होता तो कितनी रिंग आती है? एक होती। तो इस रिंग में कितने कार्बन है? 10। आप देखो ध्यान से, 10 दिख रहे हैं पक्का? तो ये एक बड़ी रिंग बन जाती है, किसी भी एक बॉन्ड को हटाते ही तो एक रिंग दिख जाती है, तो वो रिंग ही आपको चेक करनी है। आप इसके अंदर हटाओ किसी भी बॉन्ड को, आपको कहीं पे भी ये वाला हटा दो पोर्शन, बीच वाला, ब्रिज वाला, जैसे हटाओगे आपको 1 2 3 4 5 6 ही दिख रहे हैं, 8 नहीं दिखाई देंगे। इसमें ब्रिज वाले कार्बन की तरफ से ये हटा दो, कितने दिखाई देंगे? 8। ठीक है, तो एप्लीकेशंस कहां दिखाई देगी आपको इसकी? एप्लीकेशंस इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह है, जैसे बहुत अच्छे से मैं बात कर रहा हूं कि फर्स्ट ये कंपाउंड है, कोई भी मैंने बना लिया, और इसका ट्यूटोमर्स आप आइसोमेरिज में पढ़ते हैं, ट्यूटोमेरिज कैसे शो करते हैं, और आपने ये बना दिया मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर जाता है, हाइड्रोजन इधर आता है,
आपने ये बना दिया, ये इसका कीटोन फॉर्म है, ये इसकी इनॉल फॉर्म है, पक्का। लेकिन जैसे ही आप इनॉल बनाओगे तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp2, अनस्टेबल, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से बस मेरा काम यही हो गया। कोई अनस्टेबल में कन्वर्ट होना चाहेगा क्या? नहीं, नॉट श्योर ट्यूटोमेरेस। दूसरा एप्लीकेशंस आपको फिर मैं बता रहा हूं, यहां कोई कंपाउंड है सीएल और ये ओएच है, समझ में आ रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाह रहे हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट जो बनता है ना बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूशन में यहां प्लस बनता है, सीएल अलग हो जाता है, ये आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ओएच आता है और वो यहां ओएच बनाने की कोशिश करता है। क्या ये रिएक्शन होगी? क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये ही नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा तो आगे तो आप रिएक्शन भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रेड्स रूल लग रहा है, यहां पर ब्रिज कार्बन पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। तो ऐसी बहुत जगह है जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, लिख लें इसको। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, अगर यही रिंग बहुत बड़ी होती, एक रिंग 8 या 8 से ज़्यादा हो जाती, तो फिर ऐसा पॉसिबल हो जाता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिल जाती।